यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। आज सूर्य भगवान ने भी बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे रखा है। यहाँ पर मौसम बदल गए, हरियाणा में रिजल्ट आया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हमारे हाथ पैर लात बदल गए, सब सजन सजन हो रखा है, जिंदगी बदल गई, हमारी चाल बदल गई, चाल बदल गई। मतलब जब हम उठकर चलते हैं ना तो एक दो किलोमीटर ऐसे लगता है बहुत बॉडी पेन हो रहा है, धीरे 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 रम्मा हो जाता है, फिर ऐसे मन करता है यार रुकेंगे तो दर्द होगा, चलते रहो। स्पीड में चल रहे हैं हम, हमारे साथी ये दोनों पीछे आ रहे हैं। सर, यात्रा के प्रति क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ओसम है सर, ओसम है। अगला साल आप दोनों आऊंगा जरूर अंकल जी, पर गाड़ी पर। अरे अब कल सीख जाएगा, पहली यात्रा है तेरी। जगह जगह भक्त रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट इज बेस्ट। आपको 2 किलोमीटर आ गए, पेट्रोल पंप पे गाड़ी पहुंच गई, वहीं मिलेंगे सारे। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। भगत भी है वो, मुझे ऐसे लग रहा है 100% ही मेरे फैन है, हालांकि फैन नहीं कहूँगा, मेरे यूट्यूब परिवार के साथी हैं, मेरे फेसबुक परिवार है एक तरह से। जब चढ़ाई आती है तो थोड़ा इंजन ऐसे लोड मारने लग जाते हैं, ढलान आती है तो आह, हालात जज्बात आपको बताते जाएंगे। हमने रोड छोड़ दिया और धरों के बीच से जा रहे हैं। तावड़ो बहुत तगड़ो, लेकिन अब एकदम मौसम बदली हुआ है, बहुत तगड़ी तगड़ी हवा चलने लग गई और बारिश का माहौल बन रहा है। क्या खेली थी ला रहे माइक में? राम राम जी सारण है, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज राजस्थान का फेमस कॉमेडियन खेली थी सारण है, तो बालाजी का जान ला रहे है। पैदल यात्रा सागर मानव भाई है, बड़ी खुशी हुई हूँ मिल गए। थैंक यू, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार अभी क्यों रिकॉर्डिंग शुरू कर? साहब सब कुछ व्यवस्था तैयार है आपके लिए, आइए आइए बैठिए, ठंडा पानी नींबू पानी, आइए आइए बैठिए बैठिए। यार आप तो इतना तगड़ा बोलते हो, आपको ट्रेन में होना चाहिए था। मैं कहूँ चौधरी के पूछा काम ने चक दिया आप ठंडा है? नहीं नहीं, मैं रोल कराऊंगा बढ़िया कोई फुमन नाथ। हाँ भाई जी, चश्मा लगा गए भाई साहब, चश्मा चश्मा ही है और तो समुद्री जाग आ रही है। लो जी नींबू पानी बन रहा है। रवि भाई आए हैं हमारे लिए सेवा करने के लिए, आए रवि भाई जय मारू मिलन भी दूसरा है मेरे भी माइंड रह गया के करा तो क्यों आनु पड़े थाने। तो अभी खेली भाई जी, मतलब जी मेरे चोट लागड़ी है और काफी दिनों लागड़ी है, यही मारा काम आ रहे है। दुख होयो काम, 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 काम आपको आदमी आनो है। ओलमो है कि अब मैं चलना आ गया पैदल, रोज डालना आ गया व्लॉग। ओके, व्लॉग को ड्यूरेशन हुए 8-9 मिनट 10 मिनट। मैं अगली बार बढ़ा दियो, आज थे आया हो थे मिल गया, अब वीडियो हो जाएगा कोई 28-1 मिनट। अरे नहीं होसी, एक चीज बताओ, जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, मैंने एक बात बता दू, मेरा खेली भाई जी उठा गया, मेरा भतीजो उठा गया, तो मैं आऊंगा कौन के, मैं आगे सेवा कौन करूंगा आगे, तो मेरे जी कौन था, मैं तो मतलब दिन में आ गयो, अब सामने भी आ गयो मैं, पर मन ज्यादा खुशी जद होगी जब थे मार सक पैदल चल लो। हां रवि के अंदर आवाज आई है कि इतनी ज्यादा खुशी भी ठीक हो। खैली भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही प्यारी पार्टी करी है आपके, तो करिए सूगली सी जकी अब 10 मिनट में उतर जाएगी, मेरे इतनी सुनी करी है, मतलब यहां छोटा भाई को ओ वो लाड फालो फूटे हो, जने में तो छोटी सी पट्टी बांध दिया ताकि 5-7 मिनट बाद खुल जी, तो रेतो ना लगे सूख जे भी, इतनी सूगली पट्टी देखो पार्टी उरिस तो करना है यार। तो पार्टी कभी स्कूल में तो चक्की को नहीं, अब भी बंद होगा। टोल नाके पे हमने छोटा सा विश्राम किया, वहाँ भाई रवि फिर हमारे लिए सेब रसगुल्ले नींबू पानी और नाश्ता लेके पहुंचे सब गप है, की कौन ले आयो मैं कुछ कौन ले आयो मैं बंदा जा रहा हूं पट्टी मंठा वहां के दवाई सामान है। कहनी डोंकी अमेरिका जाए बे जंगली ने बिना छुप छुपाता कोशिश तो मैं छुप छुपाता डोंकी बनी था भाई मन जप लिया यहां के ऐसे कैसे ऐसे कैसे मेरे गांव में हमारे इलाके में। चलो सफर जारी करते हैं, जय बाबा की, जय बाबा, जय बाबा की, धन्यवाद आप पधारे, हमारी टीम का हौसला बढ़ाया। सूरज एकदम डाउन सा हो गया है और ठंड हो गई है खूब, सफर बहुत अच्छा चल रहा है। अब सीधे हम डायरेक्ट खाने पे मिलते हैं,
क्योंकि हम नॉन स्टॉप चलना है, 16 किलोमीटर आगे जाके रुकेंगे। जय बाबा की। जय बाबा की। दोस्तों ये जो गांव आपने देखा, ये आरती आपने देखी, ये हमारे यूट्यूबर के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट मुरारलाल जी का गांव है, गोगासर। गोगासर गांव ने यूट्यूब को बहुत कलाकार दिए। और ये मुरारी जी का बेटा है, पूरा नाम क्या है बेटा आपका? अनिरुद्ध पारिक। इनके गांव की खास बात ये है जो मुझे महेश जी ने बताई, मुरारी जी के बड़े भाई हैं महेश जी, सरपंच साहब बनते हैं। हाँ हाँ वही। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ महा आरती होती है दुर्गा माँ की। तो आज जैसे गोगासर से निकले भाई, हमें मिले सारे, महा आरती दिखाई, महा आरती देखने का हमारा सौभाग्य बना। और इस गांव के लिए बहुत फेमस है, सारे ग्रामीण उसमें आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो थैंक यू अनिरुद्ध, गॉड ब्लेस यू। अनिरुद्ध अभी 3D एनिमेशन का कोर्स कर रहा है जयपुर से, और अपनी BA की डिग्री भी कर रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आज लॉन्च कर दिया तेरे को बेटा। मैं खट्टी खट्टी मीठी संतरा की गोली लाई तो थे, संतरा की गोली क्या खाओ बेटा? कभी खाई जी को नहीं, मैं तो बांडिया में देखी। अब मौको मिली खा लिया। ये तो रूपनाथ है, चल जी फोटो। भाई रुक जाओ एक मिनट यार, मेरी लुगाई को फोन आ रहा है, बहुत बुरी है। अब मेरी रेल बना दिया थे तो वही के दूर हो जाओ थोड़ा थोड़ा, कृपया मैं बात कर लूँ। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, कैसे हो? ठीक बढ़िया। हम राइट ना वो गोगा सर मुरारी जी का जो गांव है ना, वो पार किया है, बंगा गांव में महा आरती है दुर्गा माता की, अटेंड करिए आरती। अच्छा। और अब अगर चाले हाँ रतनगढ़ कोई 5-4 किलोमीटर नेक्स्ट ऑफिस है, रुकांगा। सरदार शहर से निकलने के बाद सलासर तक ये पूरी कलाकारों की नगरी है। ईंट चक्को एक कलाकार निकल जाए, मैं ही अठा गई कि ईंट चक्की जन गोटे निकले हो। भाई को का सर हुआ है अच्छी तरह देखो हमेशा यूट्यूब फेसबुक पर। इनडायरेक्टली सर मैंने मतलब आपने की ईंट चक्के जना कोई जहरीलो जिना वो निकले गए ना, मैंने कोई सांप पलडोटी उपाधि दी है सीधो को निकले, बड़ा कलाकार है भाई क्यों कह। तो भाई गोटिन पतो लगे अभी मैं अठा बिल्कुल पतो लागो, और जो ही मन पतो लागो मैं भाज गया आयो हूँ, सारा काम छोड़ गया आयो हूँ यार, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। पहली बात तो है मेरा आदर्श कलाकार है, दूसरी बात अभी है भक्त हो रहे बाबे का जना अंगी सेवा, मतलब बाबे की सेवा। तो बहुत बढ़िया लगा सारा मारा साथी संग का, अब मिल गए भी खुश होया। आज सुबह को यही चलना आ रहा पूरा, मतलब कलाकारी वालों माहौल रहे हो ग्रुप में पूरे सफर में। अच्छा, फिर रवि भाई जी बहुत। हाँ, पहले रवि आ गयो, मंगी आ गयो। हाँ। जय बाबा की। आज हम पहुंच गए हैं जी, हमारा पड़ाव है रतनगढ़ 11 किलोमीटर पहले। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, मेरे एक बहुत ही आदरणीय थे रमेश लाल जी जाखड़, गोगा सर के रहने वाले थे, गंगानगर थानेदार थे। मैं 1993-94 में जब मैं स्ट्रगल करता था तो उनके पास रहा भी हूँ, उनके पोते का ये पेट्रोल पंप है। इन्होंने हमारे लिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, और आज मेरे साथी सारे तंदुरुस्त है, क्योंकि आज के सफ़र में मांगियो बदमाश रवीर राजी और रबी और सज्जी और खबी और सह आ गया। फिर मैं महा आरती भी गोगा सर में अटेंड करी, और मुरारी जी के बेटे में भी थाने मिलाए। आज सारा तंदुरुस्त है, सारा चेड़ का खुश हो रहा है, अगर दिखाई सारे भक्तों ने कितनी एनर्जी अंग में मार दिया रे मानवास तो। के जानी 1 किलोमीटर और चलना है तो गड्डी में गाल लिया जनो पड़ा है अथे खड़े ही पड़ गया चौधरी, मेरी बेइज्जती करवा दी मुंह पर। आज जयकारे कुछ ज्यादा ही लगा दिए तो थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। अब हम भोजन करेंगे सारे, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। आपने पूरा ब्लॉग एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और कल सुबह की यात्रा यहीं से शुरू करेंगे। जय वीर बजरंगबली।